तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परेड में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। इस फोर्स ने 53 सालों से सीआईएसएफ की स्थापना के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। पीएम मोदी ने भारत के सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का टारगेट रखा है। ऐसे में अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो हमारे एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे लाइन और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सभी चुनौतियों को सीआईएसएफ पूरी तरह पार करेगी। मैं ये भी निश्चित रूप से आज कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि सभी सीएपीएफ में अकेला सीआईएसएफ है जिसके पास प्रभावी अग्निशमन दल और सुरक्षा अग्निशमन के क्षेत्र में हमने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है। मैं इसके लिए भी सीआईएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग हर रोज 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को, चाहे दिल्ली मेट्रो हो चाहे एयरपोर्ट हो, संवेदना से इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ देश की और संस्थानों की सुरक्षा को अंजाम देते हुए सीआईएसएफ हर रोज राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है।